नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि वेडनेसडे के दिन हमारा निफ्टी निफ्टी में क्या अवेलेबल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, आज इतना अच्छा मैंने लेवल देकर रखा हूं दोस्तों, इसके लिए वीडियो को तो लाइक बनता है, करके दिखा दो यार। चलो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, 700 लाइक करके दिखा दो बस, ठीक है? तो भी आप ना भाई का इज्जत रख लोगे यार, 700 लाइक तो बनता है आज के लेवल के लिए। और अगर आपने अभी तक दोस्तों मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत बड़े गलती कर रहे हैं, अभी के अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कल भी जो लेवल दिया था फ्री टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, स्टूडेंट लोग 1,78,000, 10,000, 20,000, 15,000 अच्छा खासा पैसा कमाए, अच्छा खासा। और इवन फ्री वाले लोग भी जो भी जुड़े हैं दोस्तों, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, आप प्रूफ देख सकते हैं। क्लियर कट कल 300 पॉइंट मोमेंटम दिया था, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज भी मैं सुबह सुबह निफ्टी बैंक निफ्टी का ग्राफ वगैरह सब कुछ सेंड कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन बैंक निफ्टी का सेंड किया था दोस्तों, यहां से वो सीधे बैंक निफ्टी आज बाउंस किया। उसके बाद आप देख 9:13 मार्केट ओपन होने से पहले दोस्तों 37,066 लेवल ब्रेक एंड सस्टेन एंड सेल निकलने के लिए बोला था। आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ एग्जैक्टली दोस्तों यहां पे लेवल सस्टेन वॉच पर रूल, और वहां से सीधे 300-400 पॉइंट क्लियर कट गिर गया। लाइक बनता है यार, बस लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और जाइए अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे लेवल दोस्तों बहुत अच्छे से काम करता है, आप प्रूफ जाके देख सकते हैं, राइट? फ्री में सब कुछ मैं अपडेट करता हूं लाइव मार्केट में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कल के दिन हमारा क्या प्लान रहना चाहिए, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, कल का पहला प्लान नंबर 1 क्या रहना चाहिए और कब हमें बाय करना चाहिए। देखिए 2 मिनट दीजिए, सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। पहला बात तो कल अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हुआ, हमें बाय कब करना है? हमें बाय करने के लिए वेट करना है 37,441 दोस्तों। ये सारे ग्राफ मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है? सो 37,441 के ऊपर आपको बाय करना है। क्यों मैं ये लेवल दे रहा हूं? क्योंकि दोस्तों एक बात अगर आप नोटिस करेंगे, बैंक निफ्टी जो आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लू कलर का मैं जोन ड्रॉ करके रखा हूं ना, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था, राइट? बैंक निफ्टी बार बार टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, टच किया, ऊपर गया, और फाइनली क्या किया बैंक निफ्टी ने, ये जो सपोर्ट जोन था, ये जो ब्लू कलर का जो जोन सपोर्ट जोन था, ये बैंक निफ्टी ने क्या किया, तोड़ दिया। तो जो सपोर्ट था दोस्तों वो हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। अब आप देख सकते हैं आज जैसे ही बैंक निफ्टी यहां पर ओपनिंग दिया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को टच किया और यहां से कंटिन्यूसली डाउनसाइड मोमेंटम दिया, और ये जो भी मैं ड्रॉ करके दे दिया था फ्री टेलीग्राम चैनल पे, राइट? सो दैट हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, देखिए ये था सपोर्ट और ये अभी बन चुका हमारे लिए रेजिस्टेंस, कल हमारा प्लान। और अगर आप एक बात को नोटिस करेंगे ना दोस्तों, तो ऊपर से भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, आप देख सकते हैं प्राइस बार बार टच करता है नीचे आता है, टच करता है नीचे आता है, टच करता है नीचे आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक अच्छा खासा लेवल पे आज बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देके रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग हुआ है। बहुत बढ़िया मौका है भाई, कल हमारे लिए क्या प्लान रहना चाहिए, कल अगर फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग होता है और ये रेजिस्टेंस लाइन को भी तोड़ देता है, और जो रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस जोन था, इसको भी तोड़कर अगर इसके ऊपर सस्टेन कर देता है, यहां से बहुत अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकता है 37,441 के ऊपर। आई होप आपको सब कुछ लॉजिक के साथ क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक बनता है, हमें सेल कब करना है? देखिए दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीचे से एक अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है, राइट? बैंक निफ्टी बार बार इसी ट्रेंड लाइन को टच करके कहीं ना कहीं अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम भी दे रहा है। तो हमारा प्लान क्या रहना चाहिए, सिंपल सा हमारा भाई प्लान रहना चाहिए, हमारा प्लान ये रहना चाहिए, कल अगर बैंक निफ्टी समझ लीजिए गैप डाउन पर थोड़ा फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आएगा, और अगर ये जो ग्रीन कलर का जो ट्रेंड लाइन में बना के रखा हूं ना दोस्तों, इसको अगर तोड़ देगा तो क्या होगा, ट्रेंड वीक हो चुका है, तो नीचे आकर फिर अगर 36,983 को अगेन तोड़ देता है तो यहां से आपको अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि 37,000 जो है एक राउंड लेवल है, तो और यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट स्विंग जो है यहां पे है, तो अगर ये लेवल टूटेगा तभी जाके आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया, ट्रेंड लाइन टूटेगा, पिछला बड़ा स्विंग टूटेगा, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हमारा क्या प्लान रहना चाहिए। देखिए दोस्तों निफ्टी का अगर आप देखोगे ना, निफ्टी भी बहुत अच्छा खासा जोन पे क्लोजिंग दिया है, सिंपल प्लान रहना चाहिए। अगर आप देखोगे दोस्तों ये जो जोन बना के रखा हो ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा खासा मजबूत रेजिस्टेंस जोन है, राइट? क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों इस जोन पे प्राइस कंसोलिडेट किया, नीचे आया, अगेन आप देख सकते हैं जस्ट टच किया, अच्छा खासा गिरावट आया। तो सिंपल सा प्लान भाई, कल अगर निफ्टी जो है वो फ्लैट है फिर गैप अप ओपनिंग होके जब तक ये रेंज को तोड़कर 17,660 के ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक हम कोई निफ्टी में बाइंग नहीं करेंगे जब तक 17,660 के ऊपर सस्टेन नहीं होता। रीजन आपको पता चल गया कि हाँ भाई अच्छा खासा 3 बार रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर सस्टेन होगा तभी जाके बाय करेंगे, टारगेट आपके सामने है, ठीक है?
और एक प्लान भी बता देता हूँ निफ्टी को सेल कब करना है। देखिए दोस्तों समझ लीजिए, कल फ्लैट ओपनिंग हुआ, ऊपर गया कंटिन्यूसली और यही जोन को टच किया, और यहाँ से अगर इसे लोअर लो फॉर्मेशन दिखाना चालू हो गया और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ दिया, तो बहुत अच्छा आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा और आप डेफिनेटली सेल कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस है। निफ्टी ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस को टच करेगा और अगर नीचे आ रहा है, और कंफर्मेशन कब मिलेगा, जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, बार बार प्राइस टच करके ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन को जो ब्रेक कर देगा ना, अच्छा खासा आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। टारगेट आपके सामने, दोनों टारगेट में देख रखा हूं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया। आज का लेवल कैसा लगा यार, कमेंट आप लोग नहीं करते, भूल जाते हो, मुझे कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय एंड सी यू।